रायगढ़ सहायक कलेक्टर व खनिज विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई, अवैध कोयला, फायर क्ले व डोलोमाइट परिवहन कर रहे 9 गाड़ियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। फिलहाल पकड़े गए गाड़ियों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूंजी पथरा थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। सुबह तड़के सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खदान से कोयला, डोलोमाइट और फायर क्ले लोड होकर 12 से 15 गाड़ियां निकलकर देलारी की ओर जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही मयंक चतुर्वेदी ने खनिज विभाग को इत्तला कर संयुक्त टीम गठित कर पूंजी पथरा पहुंचे। टीम के पहुंचने की सूचना किसी ट्रांसपोर्टरों के कान तक पहुंच गई, क्योंकि गाड़ियां अपने मंजिल की ओर निकल चुकी थी और वाहन चालकों में अफरा तफरी सी मच गई। इस अफरा तफरी में खनिज विभाग के हाथों 9 गाड़ियां लगी, जिसमें 5 गाड़ी कोयला, 3 गाड़ी फायर क्ले और 1 गाड़ी डोलोमाइट की थी। इन गाड़ियों में रॉयल्टी तो थी, मगर उसमें समय अंकित नहीं था, मतलब अवैध तरीके से एक रॉयल्टी में जितना मन करे उतनी बार खनिज संसाधन परिवहन कर रहे थे। बहरहाल सारे गाड़ियों को जब्त कर उनके खिलाफ माइनिंग एक्ट लगाकर पूंजी पथरा थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। करीब सुबह हम लोग 4 बजे जांच में निकले हुए थे, जिसमें से मयंक सर जो IAS हैं, सहायक कलेक्टर के तौर पे यहाँ पदस्थ हैं, उनके साथ हम लोग गए और हमारी टीम भी थी। और हम लोग देलारी सरईपाली में जो है 5 कोयले का जो है ट्रक जब्त किए हैं और साथ ही साथ 3 फायर क्ले के हैं और 1 डोलोमाइट का है। गाड़ी मालिक तो है, आसपास के ही हैं और उसमें जो है हम मतलब उसके संबंध में जो है हम सूचना आपको दे देंगे। हाँ, आसपास जो है वहीं से ही आ रहा था कोयला जो है, और इसमें अफरा तफरी का मामला है। हाँ, जिले में कुछ इस तरीके से अभी जो है कोल उत्खनन वगैरह हो रहे हैं, अवैध कोल उत्खनन, तो उसमें जो है हम लोग सतत कार्रवाई कर रहे हैं और इसे अभियान जो है चलता ही रहेगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SEN 24।